उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा गौशाला संचालन में आने वाली समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग प्रशासन से उठाई गई है। पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बैठक कर प्रशासन से 7 दिनों के भीतर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। महोबा जनपद के कब्रे ब्लॉक में पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। गौशाला संचालन में आए दिन आने वाली समस्याओं के चलते आला अधिकारियों के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। कब्रे ब्लॉक पर की जाने वाली इस बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए 7 दिनों के भीतर समस्या का निस्तारण करने का वक्त भी दिया गया है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है कि जो गौशाला संचालन में हमारे साथियों को दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूँ कि शासन की महत्वाकांक्षी स्कीम है और इस पे हमें काम करना है, लेकिन हमारी अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं जिसके चलते हम इसको संचालन विधिवत नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि ना तो शासन सत्ता ने इस बात की व्यवस्था दिया है कि इनके संचालन को सुचारू रूप से कैसे किया जाए। हमारी गौशाला के निर्माण संबंधी ना तो एस्टिमेट सैंक्शन हो रहे हैं, ना ही उसमें जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनके चरवाहों इत्यादि की व्यवस्था के लिए उनका मानदेय कहाँ से आएगा, इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लिहाजा जो इन सब चीज़ों से हमारे साथी बहुत परेशान हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ जो है हमारे, दोनों के समन्वय समिति के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जा रहा है और इस पे अभी ये बैठक चल रही है हमारी और निर्णय पे हम पहुंचेंगे। 7 दिन बाद हम पूर्ण कार बहिष्कार की स्थिति में आ जाएंगे। हम 7 दिन का समय देंगे प्रशासन को, कम से कम 7 दिन में हमारी व्यवस्था करें, हमारी समस्याओं को सुने और उनका निदान बतावे। अगर नहीं बता पाता है प्रशासन तो हम निश्चित रूप से कार बहिष्कार में जाएंगे। ये जो आज की हमारी बैठक है, इसका मेन जो मुद्दा है वो है गौशाला प्रकरण और गौशाला के संचालन में जो भी हमें समस्याएं आ रही हैं उनके लिए हमें कोई भी एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जा रही है और उसको हम कैसे अच्छे से संचालन करें, एक प्रभावी रूप से उसका संचालन करें, क्योंकि उसके जो भी एस्टिमेट्स है वो भी हमें सैंक्शन नहीं हो रहे हैं और हम लोगों पे प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि हम लोग इनको अच्छे से संचालित करें और जो भी उस पर खर्च है उसका भी कोई मतलब भुगतान का प्रॉपर मेथड हमें नहीं बताया जा रहा है। गौशाला के लिए तो कोई अलग से बजट नहीं है, जो भी हमारी स्कीम्स होती है राज्य वित्त और 14वां वित्त तो उन्हीं से हमें भुगतान करना, लेकिन उसकी जो भुगतान की गाइडलाइन है वो केवल राज्य वित्त से है और राज्य वित्त में इतना सफिशियंट फंड्स नहीं आते हैं कि हम उसका पूरा भुगतान कर सकें।